अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प जेंट के स्टूडेंट्स। गैज आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि आपको पता ही है, JKSS भी कंडक्ट करने वाली है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 10 नवंबर 2020 को। इसी में एक टॉपिक उन्होंने रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। हाँ गैज, बिना वक्त गवाए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। पहले MCQ पे चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपको बताना है, टर्म लोकसभा को रिड्यूस किया गया है 6 साल से 5 साल के लिए। आपको बताना किस अमेंडमेंट में ये किया गया है, 48th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 43rd अमेंडमेंट। जो करेक्ट आंसर है वो है 44th अमेंडमेंट में इसको रिड्यूस किया। पहले ये 6 साल का था, अब इसको 1 साल घटाया गया, अब ये 5 साल का ही है टर्म लोकसभा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है महाराष्ट्र जो स्टेट है वो कब फॉर्म हुई, 1960 में, 1970 में या 1965 में या 1975 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आपको बताना है मणिपुर कब फॉर्म हुई, 1984 में, 1968 में या 1971 में या 1978 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1971 में जो स्टेट है मणिपुर वो फॉर्म हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है मेघालय कब फॉर्म हुई, 1969 में, 1971 में या 1967 में या 1989 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1971 में मेघालय जो स्टेट है, ठीक है, वो फॉर्म हुई 1971 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कितने मेंबर्स थे एट द टाइम ऑफ जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना गया, इस टाइम कितने मेंबर्स थे फ्रेंडली स्टेट्स में, 89 थे, 99 थे, 76 थे या 93 थे। जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 93 मेंबर्स थे, ठीक है, फ्रेंडली स्टेट्स से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है आउट ऑफ 299 मेंबर्स कितने मेंबर्स इलेक्ट किए गए प्रोविंसेस से, 229, 201, 214 या 219। जो करेक्ट आंसर है वो है 229 मेंबर्स, ठीक है, को इलेक्ट किया गया है प्रोविंसेस के लिए। आपको याद रखना है 229 इसका करेक्ट आंसर है, 299 टोटल मेंबर्स थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से मिनिमम एज क्या होनी चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए, 25 ईयर्स मिनिमम एज, 26 ईयर्स, 27 ईयर्स या 28 ईयर्स। जो करेक्ट आंसर है वो है 28 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको बनना होगा लोकसभा मेंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है मिनिस्टर होल्ड कर सकता है ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ कितने ईयर्स तक, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए या ड्यूरेशन अगर प्रेसिडेंट चाहे। जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यूरेशन, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक होल्ड कर सकता है ऑफिस पीरियड मिनिस्टर के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कौन था चेयरमैन माइनॉरिटी सब कमेटी का, जवाहरलाल नेहरू था, बी आर अम्बेडकर था या एस सी मुखर्जी था या वल्लभ भाई पाटिल था। जो करेक्ट आंसर है वो है एस सी मुखर्जी था चेयरमैन माइनॉरिटी अफेयर्स का एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया का बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है जब मिजोरम किस ईयर में फॉर्म हुई, 1976 में, 1978 में या 1980 में या 1986 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1986 में मिजोरम फॉर्म हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपलिटीज रिलेट करता है, प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपलिटीज इनमें से कौन सा आर्टिकल, 243 टू 243L या 243B टू 243M या 243P टू 243ZG या 243S टू 243ZA। जो करेक्ट आंसर है वो है 243P टू 243ZG, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है अब नागालैंड किस ईयर में फॉर्म हुई, 1978 में, 1962 में, 1968 में या 1970 में। जो करेक्ट आंसर है वो है 1962 में नागालैंड फॉर्म। आपको गाइस ये याद रखने होंगे कब फॉर्म हुई, कौन सी स्टेट्स, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है
असेंबली अडॉप्ट कब किया उन्होंने नेशनल एंथम, ठीक है, कौन सी असेंबली ने कब अडॉप्ट किया नेशनल एंथम, आपको बताना है आंसर इसका। 20th of Jan 1950, 24th of Jan 1950, या 21st of May 1949, या 13th of November 1949। जो करेक्ट आंसर है वो है 24th of Jan 1950 में कौन सी असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम, या आपको डेट याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अशोका व्हील है इंडिया के फ्लैग पे, ठीक है, आपने इंडिया का फ्लैग देखा ही होगा, वहाँ पे ये जो अशोका व्हील है आपको बताना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑफ पीस है, व्हील ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, या व्हील ऑफ अथॉरिटी है, या व्हील ऑफ लॉ है। जो करेक्ट आंसर है वो है व्हील ऑफ लॉ है। ये जो अशोका व्हील है नेशनल फ्लैग जो इंडिया का है वहाँ पे है, आपको बताना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो लॉ, व्हील ऑफ लॉ रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है विड्थ लेंथ रेशियो क्या है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का, 2:3, 3:4, 2:5, या 3:5। जो करेक्ट आंसर है वो है 2:3 है विड्थ लेंथ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का है, या इसका रेशियो है 2:3, आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मे भी पूछा जा सकता है, एग्जाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने हाई कोर्ट्स है इंडिया में प्रेजेंट, 28 है, 21 है, 29 है, या 25 है। जो करेक्ट आंसर है टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में 21 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है ओथ एफिर्मेशन बाय द वाइस प्रेजिडेंट। ऑप्शन है आर्टिकल 63, आर्टिकल 61, या आर्टिकल 62, या आर्टिकल 69। जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 69, डील करता है ओथ एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है किसने मूव किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूव किया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेन कर जो करता है प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत से, ठीक है, पार्ट 9th, पार्ट 10th, या पार्ट 11th। जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 9th। इनमें से जो पार्ट है जो डील करता है रिगार्डिंग पंचायत से, ठीक है, पार्ट 9th आपको याद रखना होगा। गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की मे भी ये पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन। हाँ गाइज जी था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर खराब लगा डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ गाइज ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हेल्प जेंट के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मे भी गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कर लाऊंगा, वहाँ पे भी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज हैं, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, मे भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। हाँ गाइज ये था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।